तो गाइस यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ मिक्स पराठे, जिसमें मैंने मिक्स चीज़ें डाली है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये सब डाला है। तो फाइनली बैठे हुए हैं आफ्टरनून के खाने के लिए, और आज मैडम जी बना रही है कुछ स्पेशल डिश। बड़ी मेहनत, मैंने मना किया कि इतनी गर्मी में इस तरह की चीज़ें मत करो, क्योंकि इस तरह के आइटम्स में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये मंकी देख रहे हैं, और कम से कम मुझे 40 से 45 मिनट लगते हैं इनको खाना खिलाते हैं। कभी कभी ऐसे फट से खा लेगा कि 10 मिनट में खा लेगा, और कभी कभी इसको बहुत टाइम लग जाता है, मैं खुद बोर हो जाती हूँ और इसका खाना मैं खा लेती हूँ। हे गाइस वेलकम। तो गांव से आई थी और काफ़ी फेस डल हो गया था, काली हो गई थी थोड़ी सी, तो मैं अपने फेस पे मैंने ये हल्दी बेसन ये लगाया, और बालों में मैंने दही लगाई हुई है क्योंकि बाल भी काफ़ी रूखे हो गए हैं। तो सुबह सुबह ही टाइम मिलता है तो मैंने सोचा नहाने के पहले लगा लूँ। तो गाइस नहा लिया है मैंने, और मैंने अपने बालों को सिर्फ पानी से धोया है, क्योंकि इसको जब हम दही लगाते हैं ना बालों में, तो वो मॉइस्चराइज अच्छे से हो जाए, ताकि बालों के जो रूखे रूखे होते हैं वो अच्छे हो जाएँ। तो इस वजह से मैंने सिर्फ पानी से धोया, और मैं शाम को इसको अच्छे से शैम्पू करूंगी, तो बाल जो है वो काफी स्मूथ हो जाते हैं। तो अभी तो मैंने नहा लिया है फिलहाल तो, और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है। गाइस अब चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। और जैसे कि मैंने देखो बेसन और वो लगाया था, तो मेरी स्किन भी कितनी अच्छी लग रही है, ग्लोइंग सी लग रही है। तो आप लोग भी ये जरूर करिए, गर्मियों में तो मोस्टली मतलब ये सब लगाओ तो अच्छा रहता है, स्किन अच्छी होती है, और नहीं तो ऑयली ऑयली सी होती है और दाने वगैरह ये सब निकलने लगते हैं। तो मैं तो ठंड में तो मैं नहीं करती, लेकिन गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और बर्फ़ से आप लोग बर्फ़ भी लगा सकते हो अपनी स्किन पे, उससे क्या है कि ग्लोइंग होती है, उससे भी पिंपल्स वगैरह नहीं आते हैं। तो मैं गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपने बालों का और स्किन का, तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करना। तो अब मैं चलती हूँ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, आज ये थोड़ा लेट जाएंगे ऑफिस, तो चलती हूँ फटाफट नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ, और आज मैं बना रही हूँ पराठे। पराठे में मैं आज मिक्स पराठे बना रही हूँ, इसमें आलू, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और मसाले डाल दिए हैं, और काफ़ी टेस्टी बनते हैं। गुड मॉर्निंग बेटू, अभी आप नहाए नहीं अभी तक, नहा लो जाके, ब्रेकफास्ट रेडी है, ले आओ, जल्दी लाओ, बेटू और मैं दोनों वेट कर रहे हैं। चलो आ गया ब्रेकफास्ट, आ गया। व्हाट इज पराठा? आलू पराठा, मिक्स पराठा है बेटू। वाओ, कॉफी कॉफी चाहिए भैया इनको, बहुत गर्मी है यार, सुबह सुबह इतनी गर्मी है, बाप रे, ठंडी लग रही है ये तो। क्या चाय? अब एक घंटे हो गए इसीलिए। वैसे जस्ट आज मैं भी पी ली हूँ ना थोड़ी सी पराठा, इसीलिए आज थोड़ी। आलू गोभी टमाटर सब नहीं, ये पत्ता गोभी प्याज आलू। ओके, अब देखो स्वाद में कैसा होगा। पराठे दिल्ली की एक फेमस डिश है, मैं एक दिन ना सोयाबीन के बनाऊंगी। चलो गाइस टेस्ट करते हैं कैसा है, फिर आपको बताते हैं। हाँ हट बेटू, मेरे बेटू का छोटा पराठा, ये मेरा, और ये गंदे बच्चे फोन देख के खाएंगे। अच्छा क्या सही है, भुनी वुनी नहीं हो, कच्चा ऐसे करके कद्दू कस करके बना दी हूँ। चलो फटाफट। तो फाइनली बैठे हुए हैं आफ्टरनून के खाने के लिए, और आज मैडम जी बना रही है कुछ स्पेशल डिश। बड़ी मेहनत, मैंने मना किया कि इतनी गर्मी में इस तरह की चीज़ें मत करो, क्योंकि इस तरह के आइटम्स में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सोचो इतना अच्छा पति मिला, मना करता है कि अच्छे पकवान मत बनाओ, आपको गर्मी लगेगी। अच्छी मना करने के बाद भी बनाते नहीं, इतना गर्मी में के अंदर, क्योंकि तेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा वो हीट और प्रोड्यूस करती है, तो काफ़ी गर्मी लग जाती है। बाकी मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या देख रहे हो आप, मंकी देख रहे हो? देख लो इनको इस तरह के सीरियल कार्टून वाले बहुत पसंद है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ शिवानी बना के आ रही है। तो गाइस यहाँ हमारे यहाँ बने हैं आज छोले एंड भटूरे। हाँ खा लेते हैं, ज़्यादा मत बनाओ, फटाफट बना के अपना भी निकाल लो, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा वाली, क्या फ़ायदा होगा, इतना ख़राब कर लोगे इस पर्सनैलिटी खाने के चक्कर में। टाइम जो हो चुका है बच्चों के 2:15। ओके बताते हैं खा के कैसा है। छोले में नमक कम था वो कर दी, नहीं थोड़ा डाल दूँ ना, ये ले जाना, इसे निकाल।
पानी निकाल दो, ठंडा वाला चिल्ड वाला। नहीं निकाला नहीं था, हम ट्राई करके देखते हैं कैसा है। आराम से नहीं होगा, गिर जाएगा। बेटा आप भी खाओगे? खाना है? चलो छोले भटूरे क्या बनाए? और क्या देख क्या रहे हो आप? हाँ मंकी जेली खा रहा है। तो गाइस ट्राई करते हैं कैसे बने छोले भटूरे, आपको भी बताते हैं फिर। आप नहीं खा रहे हो? आप भी खाओ। तो गाइस यहाँ पे मेरे भटूरे जो है वो छोटे छोटे बनेंगे क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो छोटी है। बेटू आप भी खाओ थोड़ा, पापा में खाओ, पापा के साथ। कैसे बने? अच्छे बने। तो गाइस यहाँ पे जो मेरे भटूरे हैं वो छोटे छोटे बन रहे हैं क्योंकि कढ़ाई काफ़ी छोटी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं फटाफट बना रही हूँ छोले। थोड़ा सा ही बचा है बस, फिनिश हो गया। तो गाइस खाना पीना हो गया और ये आराम कर रहे हैं अभी। बेटू मेरा खा लिया बहुत मुश्किल से, जितने में मैं खाना बनाती हूँ और हम दोनों खा भी लेते हैं उतने में मैं बेटू को सिर्फ खाना खिलाती हूँ, है ना बेटू? मैं बेटू को खिलाने में पूरे आधे घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। ये मंकी देख रहे हैं और कम से कम मुझे 40 से 45 मिनट लगते हैं इनको खाना खिलाते हैं। कभी कभी ऐसे फट से खा लेगा कि 10 मिनट में खा लेगा, और कभी कभी इसको बहुत टाइम लग जाता है, मैं खुद बोर हो जाती हूँ और इसका खाना मैं खा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत आलस दिखाता है, मुंह में लेके बैठा रहेगा। तो आप लोग भी बताना किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, मेरा तो ऐसे बहुत बार करता है, मैं बोर हो जाती हूँ कसम से। तो और हम लोग गाइस जा रहे हैं कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो हम लोग सोच रहे हैं वाटर पार्क जाने का। वाटर पार्क चलोगे ना कल? तो कल इनकी छुट्टी, हाँ अगर इनको कल ऑफ मिल गया तो हम लोग जाएंगे वाटर पार्क, और कैसे क्या करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरी मुंबई की टिकट कर दी है? अभी कब जाना है बताओ। मैं इनको बोली हूँ आज जब से आई हूँ मैं गांव से, तब से मैं बोल रही हूँ कि टिकट नहीं। मायके से होके आई है, दोबारा मायके की चाह। अरे तो मैं गांव गई थी ना, मुंबई गई तो था वो। तो गाइस मैं मुंबई, मुझे जाना था क्योंकि पूजा वगैरह है, तो मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैं वहाँ जाने की सोच रही हूँ। तो इनको मैं बोल रही हूँ कि टिकट कर दो, ये टिकट के लिए कुछ देख ही नहीं रहे हैं, देखेंगे फिर पता नहीं क्या बंद करके रख देंगे। और टिकट बहुत मुश्किल से मिल रही है, हर बार मैं 4 से 5 हज़ार रुपये मेरा सिर्फ जाने का लग जाता है, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना जल्दी निकाल लूँ तो अच्छा रहेगा। तो ये मस्ती में लगे हैं, मेरे टिकट कर देना। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग। हाँ मेरे मम्मी पापा अयोध्या गए थे, मैं भी सोच रही थी अगर वो लोग पहले जाते तो मैं भी जाती, लेकिन क्या था कि गर्मी गांव में बहुत थी तो हम लोग वापस आ गए जल्दी, वरना रुकने का बहुत मन था, वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और अयोध्या में पता है कैसे है, बहुत चलना पड़ता है, अगर अपनी रिजर्व गाड़ी है अगर वहाँ रुकना है तो ठीक है, अगर नहीं रुकना, अगर आप सोच रहे हो कि डे वन पे ही जल्दी से दर्शन वगैरह करके आ जाए तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे। फैसिलिटी तो अभी बन ही रही है, अभी वहाँ पे बन रहा है सब कुछ, और मंदिर के अंदर आप फोन वगैरह नहीं लेके जा सकते। अच्छा बंद कर रहे हैं? हाँ फोन वगैरह सब बाहर, वो बाहर की है, अंदर की किसने खींची है, तो अंदर नहीं जाने देते, बाहर ही बाहर। बहुत से लोग अयोध्या के भी होंगे, राइट? थोड़ा गाइड करना कि यहाँ पे कैसा है। जो अयोध्या के हैं वो बताना क्योंकि हम लोग भी जल्दी सोच रहे हैं जाने के लिए, हमारा भी मन है। मेरा तो इसी बार मन था, सब चाची चाचा मम्मी पापा सब लोग गए हैं, पर मैं यही रीजन था कि गर्मी की वजह से मैं यहाँ पे आ गई, वरना मैं भी जाती। और बेटू तो मेरा एकदम काला हो गया है ना बेटू, गांव में तो वैसे भी रंग थोड़ा डल हो जाता है, मेरा बेटू बहुत ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मेरा बेटू सुबह 5 बजे उठता था और रात के 11-12 बजे थक जाता था तब सोता था, है ना बेटू? गाँव में मज़ा आया था आपको? हाँ। कितना मज़ा आया था? बहुत सारा। तो गाइज अब इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग जाएंगे वाटर पार्क, वो भी आपको दिखाएंगे, खूब मस्ती होगी। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।